नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो लाए हैं आपके लिए, यह एक तरह से प्रैक्टिकल है। इसको अक्सर जो है बीएससी में प्रैक्टिकल किया जाता है। ये ओम्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। आप देख रहे होंगे कि इसमें दो मल्टीमीटर का यूज किया गया है। मल्टीमीटर इसमें दो क्यों यूज किया गया है, इसको हम अभी बता रहे हैं आपको। पहले मल्टीमीटर को आप देखेंगे तो ये है एक वोल्टेज के लिए, और दूसरे मल्टीमीटर को हम करंट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारा फार्मूला होता है ओम्स लॉ का, जो वोल्टेज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि करंट इनटू रेजिस्टर भी हम कहते हैं, इसका ये फार्मूला है। और इसे माध्यम से हम अपने प्रैक्टिकल को करते हैं। सबसे पहले जब इसमें वोल्टेज और करंट में रीडिंग नोट करेंगे तो इसके माध्यम से ही हम अपने ग्राफ को ड्रा करते हैं। आइए हम इसको मेजर करेंगे कि हम वोल्टेज किस पॉइंट पे मेजर करते हैं और करंट को किस पॉइंट पे मेजर करते हैं, और उन वैल्यू को हम नोट करते हैं। सबसे पहले जो वोल्टेज है, उसके वोल्टेज को हम एक पॉइंट पे सेट करेंगे और करंट जो है उसको दूसरे पॉइंट पे सेट करेंगे। इन दोनों में कुछ न कुछ वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन से हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। देख रहे हैं कि आपको हम 9 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। आप इसमें 4 वोल्ट की बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ये पोटेंशियोमीटर है, इसका कनेक्शन जो है किया गया है, और जो मल्टीमीटर है, दोनों का एक साथ कनेक्शन हुआ है। इस सर्किट में हमने जो पॉजिटिव सिरा है उसको पोटेंशियोमीटर के पहले वाले पिन के साथ कनेक्ट है, और जो सेकंड उसका कॉमन टर्मिनल है उससे पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट है। मल्टीमीटर पहले में जो वोल्टेज मेजर करेगा और दूसरे में जो करंट मेजर करेगा, इन दोनों के एक साथ हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव वाले कनेक्शन को दिए हैं, जबकि जो हमारा वोल्टेज मेजर करेगा उसके लिए हम कॉमन टर्मिनल के निगेटिव को भी दिए हैं, ठीक। और जो पॉजिटिव टर्मिनल पहला है उसके लिए हम वोल्टेज का पहला दिए हैं, क्योंकि जो करंट है, करंट का जो कॉमन टर्मिनल हो वो निगेटिव के माध्यम से। इसको हम अक्सर जो बीएससी में प्रैक्टिकल के माध्यम से इसको हम सीखते हैं, और इसमें ग्राफ बनाते हैं कि जो पोटेंशियल है, यानी कि जो ओम्स लॉ है, इस पर कितना वेरिएशन आएगा इसमें तुरंत दिखाई देगा। यानी कि इसकी जो सर्किट है, आप देखेंगे जब भी हम पोटेंशियोमीटर, यानी कि इसका जो पोटेंशियोमीटर है, 1 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल करते हैं, और 9 वोल्ट की बैटरी से जब हम इसमें पोटेंशियोमीटर को हम अपने रोटेट करते हैं, इस रोटर को, तो इसमें 9 यानी कि 9 वोल्ट तक अप्रॉक्सीमेट में जो वोल्टेज देता है, और जो इसमें करंट है उसमें करंट अलग देता है। करंट को हम मिली एम्पियर में नोट कर रहे हैं, जबकि जो हमारा वोल्टेज है उसे हम वोल्ट में मेजर कर रहे हैं। आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जो ये इसका वोल्टेज है उसको 20 वोल्ट पे सेट कीजिएगा, उसकी कट ऑफ यानी कि उसकी रेंज को, और करंट को भी एम्पियर के माध्यम से 20 एम्पियर पर सेट कर लीजिएगा।